हैप्पी हैलोवीन। तो हैलोवीन स्पेशल वीडियोस आ चुकी है, बैक टू बैक मैं वीडियोस डाल रही हूँ। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हैलोवीन अगर पार्टी आप घर पे करना चाहते हो तो कैसे आप फूड बना सकते हो बिना गैस का इस्तेमाल किए हुए, बिना आग का इस्तेमाल किए हुए, फटाफट से। चाहे आप जितने भी छोटे बच्चे हो, आप अपने लिए हैलोवीन स्पेशल बहुत सारा खाना तैयार कर सकते हो। जैसा कि आपने यहाँ देखा, मैंने केक ले लिया है, 5 या 10 रुपये का जो केक आता है ना, वो ले लिया। उसके ऊपर केक की क्रीम थी वो लगा दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट ले लिए हैं, उसे तोड़ करके इस तरह से सजा दिया और उसके ऊपर फोंडेंट के साथ उसकी आँख बना दी। रेडी है हमारा पहला केक। दूसरे केक के लिए भी मैंने कपकेक लिया है, चॉकलेट वाला, और उसके ऊपर इस तरह से क्रीम को गोल गोल घुमा दिया, टूथपिक ले ली और इस तरह से डिज़ाइन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत ही प्यारा। चाहे आप छोटी बच्ची भी क्यों ना हो, मम्मी की हेल्प की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चियाँ बहुत पसंद करती हैं, आजकल हैलोवीन बहुत ज़्यादा चलता है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिया में भी आजकल इसे मनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं बच्चे। तो आप इजीली अपने खाने की तैयारी खुद ही कर सकती हो और अपनी छोटी छोटी फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकती हो। तो यहाँ भी मैंने वही कपकेक ले लिया है, 5 या 10 रुपये में आपको बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के कपकेक्स मिल जाते हैं। तो उसके ऊपर मैंने इसी तरह से डिज़ाइन बना दिया है। जो मर्जी डिज़ाइन आप बना दो, ड्राइंग करनी अगर आपको आती है तो आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है थोड़ा सा दिमाग जैसा कुछ डिज़ाइन, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने लगा दिया है, ये है जैम। जैम थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसे पतला कर लिया है। और अब उसे इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का डाल देगा तो ऐसा लगेगा जैसे इसके ऊपर खून लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, ऐसा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा स्कैरी सा लगेगा, पर रात को जब आप पार्टी करोगे ना कैंडल लगा करके तो काफ़ी ख़तरनाक लगेगा और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगेगा। तो बढ़ते हैं अगले डिज़ाइन की ओर। तो यहाँ पर मैंने फोंडेंट को थोड़ा सा राउंड इस तरह से बेल लिया है, केक के ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा ली है बीच में, और इसके ऊपर ये फोंडेंट रख के थोड़ा सा डिज़ाइन कर देना है और बस तैयार है। अगर आप बीच में क्रीम नहीं लगाना चाहते हो ना तो इसके ऊपर आप छोटे छोटे जो चॉकलेट बॉल्स आते हैं ना वो भी रख सकते हो, और उसके क्रीम लगाकर हल्की सी, या कोई हनी लगा करके, या हर्षी सिरप लगा करके, ताकि वो चॉकलेट बाहर नहीं निकले। इस तरह से फोंडेंट रख लो, और आइज़ के लिए आप छोटे छोटे चॉकलेट्स आते हैं ना वो लगा सकते हो, चॉकलेट चिप्स वगैरह, या फिर मैंने तो ओरियो के अंदर से जो क्रीम निकली थी ना वही वाली वो राउंड काट करके लगा दी। और नेक्स्ट मैंने ओरियो बिस्किट के ऊपर फोंडेंट के साथ आइज़ बना ली और दांत बना लिए और इसके ऊपर सजा दिए। तो इस तरह से आप फोंडेंट अगर आपके पास है, क्रीम है, बिस्किट्स है, केक्स है, तो आप बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हो। यहाँ पर भी मैंने अगेन फोंडेंट ले लिया है, वाइट ही रखा है उसे, और उसे थोड़ा सा इस तरह से लंबा कर लिया है। और बीच बीच में इसे मैं क्यों कर रही हूँ पता है, ताकि मैं इससे दांत की शेप दे पाऊँ, भूत के दांत बना सकूँ। तो ओरियो को मैंने बीच में से खोल लिया है, क्रीम निकाल ली है, और बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जैम। अगर आप चाहो तो हनी लगा सकते हो, चाहो तो पीनट बटर लगा सकते हो, चाहो तो क्रीम लगा सकते हो, कुछ भी, जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए और बार बार से खुल कर ना गिरे। तो यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको सेट, दांत का जो सेट है ना पूरा यहाँ पर लगा दिया, 32 ही, और ऊपर से एक और जो ओरियो केक की जो एक तरफ की जो साइड की पीस थी वो लगा दी। तो ये लग रहा है ना जैसे कि दांत है, बहुत प्यारा लग रहा है और ख़तरनाक भी। रात को ये जब आप कैंडल की लाइट में देखोगे ना तो बहुत ख़तरनाक लगेगा, डरावना लगेगा। तो ये हो गए भूत के दांत। अब मेरे पास ये बिस्किट भी है, मेरे घर में बहुत चलते हैं, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सोची कुछ डिज़ाइन कर दूँ, क्योंकि ओरियो की क्रीम बची हुई थी। तो क्रीम को इस तरह से मैं बीच में राउंड कर दे रही हूँ, आइज़ बना दे रही हूँ और मुँह बना दे रही हूँ स्ट्रॉ की हेल्प से, और बस इसे मैं इस मारी गोल्ड बिस्किट के ऊपर रख दे रही हूँ। सॉरी, मारी गोल्ड बिस्किट है, मैंने शायद पहले ओरियो कह दिया, इसके ऊपर रख दे रही हूँ। और बीच में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा जैम। आप चाहो तो केक की क्रीम डाल लो, चाहो तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल लो, कुछ भी डाल लो। अब सेम मैं करने जा रही हूँ ब्रेड के साथ। अगर आप बिस्किट के साथ नहीं करना चाहते, ब्रेड आपके पास पड़ी है तो आप ब्रेड ले लो, उसे राउंड काट लो और उसी तरह से इसे रख दो। और इसके अंदर अगर आप केक की क्रीम डालोगे तो भी अच्छा लगेगा, जैम डालोगे तो भी अच्छा लगेगा। मैं जैम ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल वो है। और साइड में मैंने सोचा क्यों ना इसके बाल बना दूँ, और भी सुंदर लगेगा, है ना ये भूत। तो इस तरह से मैंने बाल का डिज़ाइन बना दिया, तो लग रहे हैं ना प्यारे। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे यहाँ पे कपकेक्स तैयार कर लिए हैं, बिस्किट्स तैयार कर लिए हैं, दांत भी तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा सा और कुछ स्कैरी सा बनाया जाए। तो यहाँ पर मेरे पास क्रीम रोल है, क्रीम रोल के ऊपर मैंने लगा दिया है जैम इस तरह से, ताकि वो देखने में थोड़ा सा यू नो
थोड़ा सा खतरनाक सा, डरावना सा लगे, ऐसा लगे जैसे कि खून लगा हुआ है इसके ऊपर, ब्लड लगा हुआ है ऐसे लगे। तो इस तरह से आप भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं अपने पास। आप अगर आपके पास है कुछ ऐसा तो आप ला सकते हो, या फिर ये तो इजीली मिल जाता है ना, क्रीम रोल तो इजीली मिल जाता है, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, आपके फ्रेंड्स को पसंद है, आप वो फ्लेवर ले आएँ और इस तरह से सजा लें और इस तरह से वाइट आइज़ बना लें। अगर आपके पास आइस बनाने के लिए क्रीम नहीं है तो आप चॉकलेट के साथ बना सकते हो, हर्षी सिरप जो चॉकलेट आता है वो उसके साथ बना सकते हो, कुछ भी, बस आइस बनानी है आपको तो रेडी है। अब हम लोग को गुपचुप कितना पसंद है, और आपकी फ्रेंड्स अगर आ रही हैं, आपके फ्रेंड्स अगर आ रहे हैं, चाहे वो आप गर्ल हो या बॉय हो, तो गुपचुप तो यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसे भी थोड़ा डरावना डिज़ाइन दिया जाए। यहाँ पर ले लिया है मैंने पानी पूरी गोलगप्पा, उसके अंदर मैंने आलू का मसाला डाल दिया है, तैयार करके रखा था, मसाला भी इजीली तैयार कर सकते हो आलू बॉयल करके। उसके बाद ये देखिए नूडल्स, थोड़े से नूडल्स इस तरह से रख दिए, क्योंकि ये थोड़े से डरावने जैसे लगते हैं, थोड़े स्कैरी जैसे लगते हैं ना जब अंधेरे में देखा जाए। तो इस तरह से ऊपर नूडल्स को आप थोड़ा थोड़ा सा लगा लो, और अब ये है सॉस केचप, वो चाहो तो आप जैम भी ले सकते थे और चाहो तो केचप ले लो। और इस तरह से जो छोटी सी ग्लास है ना, उस पे मैंने जो पानी पूरी का पानी होता है ना, खट्टा पानी, मैंने खट्टा मीठा पानी बनाया है, आम पन्ना और जैम मिला करके खट्टा मीठा पानी बन गया है, तो उसके ऊपर मैंने ये जो पानी पूरी तैयार करके रखी थी ना आलू भर के और नूडल्स लगा करके, ऊपर वो रख दिया, और ऊपर से मैंने ये चीज़, छोटी सी चीज़ काट करके ऊपर रख दी है। तो इस तरह से आप तैयार कर लो। ये भी देखिए कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है, ऊपर से टेस्टी तो है ही, टेस्टी डरावना है ना, प्यारा लग रहा है ना। इस तरह से हमारे पास काफ़ी कुछ तैयार हो चुका है, थोड़ा सा और करते हैं ना, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आइटम्स थोड़े से और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये रही ब्रेड, बिल्कुल आप बिल्कुल ईजीली कर सकते हो, बहुत सस्ते में कर सकते हो, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा आपको, और सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये थोड़ा बहुत कट वगैरह करना है तो आप मम्मी की हेल्प ले सकते हो, कहीं आप हाथ कट नहीं कर लेना, बिल्कुल ध्यान से दीदी की हेल्प ले लेना, किसी बड़े की हेल्प ले लेना। और देखिए यहाँ मैंने चारों तरफ उसकी जो साइड्स है वो काट करके निकाल दी, और ऊपर से मैंने है ना दोनों साइड कट कर दिया है, ताकि उसमें एक बहुत अच्छा सा शेप दिया जाए। अब आपको पता चलेगा कि ये बनने क्या वाला है। ऊपर से मैंने यहाँ पर लगा दिया जो चॉकलेट सिरप आती है ना, वो उसे मैंने लगा दिया है। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है, बिल्कुल चॉकलेटी कर देना है ब्रेड को, पूरी तरह से लगा लेना है। और उसके बाद हमें चाहिए होगी केक की क्रीम। अभी आप थोड़ी देर में देख पाओगे कि मैंने इसके साथ क्या किया है। सच में ये जो मैं बना रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा स्कैरी लगेगा। और अगर आप घर में पार्टी कर रहे हो ना, हेलोवीन पार्टी, तो ये जो है ना, ये बहुत इजीली आप बना सकते हो और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। ये देखिए रेडी है। इस तरह से आप बहुत सारी ब्रेड ले सकते हो, उसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट्स लगाते हो। बच्चों को चॉकलेट भी पसंद आती है, क्रीम भी पसंद आती है, ब्रेड भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, प्यारा लग रहा है ना। और अब ये रही चिप्स, ये जो है ना, ये क्या नाम है आप पढ़ लेना एक बार से, फिर देख लेना पीछे करके, वो वाली चिप्स है, फिंगर चिप्स जैसी, तो वो मैंने ले ली। ये आलू का मसाला मेरा बच गया था, जो गोलगप्पे के अंदर मैंने डाला था ना आलू का चटपटा सा मसाला, वो उसे मैं इस तरह से एक शेप दे रही हूँ। आगे देख पाओगे कि मैं इसके साथ बनाने क्या वाली हूँ। ये भी सच्ची में बहुत प्यारा लगता है, बहुत इजीली बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा आपको, क्योंकि ये जो चिप्स वाली स्टिक्स है ना, ये चीज़ वाली है, तो ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, तो आपके फ्रेंड्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर बन रहा है एक डरावना सा हाथ, लेकिन ये अभी डरावना नहीं लग रहा है, इसे मैं डरावना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए ये पांचों उंगलियाँ तैयार हो गई, बिल्कुल हाथ कटा हुआ हाथ यहाँ पर प्लेट पे किसी ने रख दिया है, एकदम भूत का हाथ ला करके यहाँ पर रख दिया है, भूत नहीं रख दिया है अपने आप से। और अभी ये डरावना नहीं लग रहा, तो इसे थोड़ा सा डरावना बनाया जाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने ले लिया है शेजवान, शेजवान चटनी आती है ना, वो चिंग्स की आती है शायद, हाँ वो, उसको लेकर के ऊपर लगा दिया ताकि ये चटपटा भी लगे और देखने में थोड़ा सा डरावना सा भी लगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसे मैंने स्प्रेड कर दिया है, और लग रहा है ना बिल्कुल एकदम सा कटा हुआ सा हाथ लग रहा है, किसी ने प्लेट के ऊपर ला करके रख दिया। तो अभी ये थोड़ा सा अधूरा जैसा लग रहा है ना, इसके नेल्स भी तो बनाने पड़ेंगे। तो नेल्स को थोड़ा सा यूँ ट्राइंगल शेप देते हैं ना, नॉर्मल नेल्स नहीं होते ना, उनके थोड़े नेल्स भी खतरनाक रहते हैं, तो थोड़ा सा ट्राइंगल शेप दे करके हमने इस भूतिया हाथ के नेल्स भी तैयार कर दिए हैं। बहुत ही टेस्टी सा भूतिया हाथ यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने बना ली है ना। और ये जो है ना, ये भी लॉलीपॉप्स है, घोस्ट लॉलीपॉप्स,
इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर से देखिएगा। बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो यहाँ देखिए सारा सामान कितना अच्छा लग रहा है। और स्टार्टिंग में आपने देखा ना ये कैंडल लाइट में किस तरह डरावने से लगते हैं, और खाने पे तो सारे एकदम से उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, इतने टेस्टी, डरावने भी और टेस्टी भी। तो आपकी जो थीम है ना, पार्टी है ना, जो उसके साथ ये बिल्कुल बिल्कुल मैच हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हैप्पी हैलोवीन, एंजॉय कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। बाय।